करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। आप अकेले चले जाते तो मैं सब कुछ नहीं देख पाऊंगी। शांत हो जाओ। देखना तो आज मुझे अमरनाथ को है, इसे बताना है कि शराफत जब खामोशी का लिबास उतार फेंकती है तो ऐसा सबक सिखाती है कि सात पुस्तकें याद रखती है। बस है। मालिक, आप अगर कहें तो रामकिशोर जी के यहां बताऊं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उन लोगों के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं है। उनका नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना। वैसे नीच लोगों के साथ मैं कोई संबंध रखना नहीं चाहता। क्या बात है? इसको रामकिशोर उसके परिवार की याद सता रही है। अरे अगर वो लोग नहीं आए तो क्या उन्हें गोद में उठा कर ले आए? अगर उन्हें आना होता तो कब के आ गए होते? और किस मुंह से आते अरुणा? जो गलत कदम उन्होंने उठाया ना, वो उन्होंने उठाया है, हमने नहीं। फूल सी मासूम बेटी को उस बुजदिल ने हाथ मारा है। कितनी घुट रही होगी, कितना बर्दाश्त किया होगा उसने। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना अरुणा, वो इसलिए हो रहा है कि रामकिशोर उसके परिवार की बदतुआ लगी है। नफरत करता हूं मैं उन लोगों से। आइंदा उनका नाम अपनी जुबान पर मत लाना, समझे? तेरे कलेजे को ठंडक मिल गया, तेरे दिल को सुकून। अरे एक मासूम का कत्ल करके क्या मिल गया तुझे? हैं? अपनी जुबान को लगाम दे रामकिशोर, वरना 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 क्या कर लेगा तू? हैं? अरे तू कातिल है, और इस कत्ल के लिए ना तो हम तुझे माफ करेंगे और ना वो भगवान माफ करेगा। कौन किसको माफ करेगा ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम ऐसे वक्त तो दुश्मन भी खड़े हो जाते। लेकिन तुम, ये तुम कह रही हो अरुणा? क्यों भूल रही हो कमला, तुम उससे बहस कर रही हो जो अमरनाथ की बीवी है। ये तो हम ही बेवकूफ थे, ये समझते रहे कि ये वैसी नहीं है जैसा ये अमरनाथ है। लेकिन अमरनाथ याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या किसे दे रहा है रामकिशोर? चिल्लाना मुझे भी आता है, जा तेरी समझ में जो भी आए कर ले। अरे करने वाला तो वो है ऊपर वाला, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ कि जिस दौलत पर तुझे इतना घमंड है ना, वो दौलत तेरे किसी काम नहीं आएगी। और इतना याद रखना, उस मासूम बच्चे की कत्ल का जब तक मैं बदला नहीं ले लेता ना, मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। अरे जा, जो जी में आए कर लेना। आओ कमला। अरे सुनो तो, सरिता से मिल लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है, चलो। एक मासूम का कत्ल करके कितनी दौलत मिल गई तुम्हें? अरे तुम डॉक्टर हो या कसाई? कम से कम किसी के अरमानों का, किसी के खुशियों का खून करने से पहले ये तो सोचा होता कि इंसान की खुशियों की कीमत क्या होती है। सिर्फ दौलत? अरे इस दौलत से तुम ऐशो आराम तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा। एक मिनट, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप हैं कौन और चाहते क्या? बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझे आप मुझ पे और मेरे प्रोफेशन पर इल्जाम लगाने वाले होते कौन? सच्चाई को इल्जाम कहकर तुम अपने जमीन से, अपने धर्म से, अपने ईमान से बच नहीं सकते डॉक्टर। क्या सरकार तुम्हें इसलिए डिग्री देती है? किस डिग्री की आड़ में तुम इस तरह की घटिया और गिरी हुई हरकत करो? देखिए अभी बहुत हो गया, आप मुझे बताएंगे मुझ पर इल्जाम क्या है, मैंने क्या गुनाह किया है? अरे अमरनाथ ने जिस मासूम का कत्ल तुम्हारे हाथों से करवाया है ना, वो मासूम हमारी खुशियों का, हमारे अरमानों का, हमारे दिल का टुकड़ा था। ओ भगवान, आपने समझा। लेकिन देखिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है, आपको गलत फहमी हुई। हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में होती है। हमें नहीं मालूम कि सरिता कैसे गिरी, क्यों गिरी,
जब डॉक्टर अपनी डिग्री लेता तो वो शपथ लेता है कि उसका काम है मरीज की जिंदगी को बचाना, मौत का सौदागर बनना नहीं। लेकिन कभी कभी इंसान की कोशिश भगवान के फैसले के सामने मजबूर हो जाती है, इसीलिए आपको जो कुछ भी कहना है आप जाकर अमरनाथ से कहिए, मुझसे नहीं। बहुत जल्द हकीकत का पता चल जाएगा। दीपक, दीपक, अमन की आप बड़ी खुश नजर आ रही है। चुप कर, कब आओ यहाँ से। कब आओ यार, कमाल है। दीपक, मामा आपके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि तीर बिल्कुल सही निशाना पे पड़ने वाला। आज तो ऐसी नफरत की आग लगा कर आ रही हूँ ना कि जब तक तेरी सरिता से शादी नहीं हो जाती ना तब तक नहीं बुझने वाली है। अरे अब तो ये एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करेंगे। मेरी बातें सुनकर राम किशोर जी के तन बदन में ऐसी आग लगी कि पूछ मत। अभी अस्पताल गए हुए हैं, आप देखना ये एक दूसरे से दुश्मनों की तरह पेश आने वाले हैं। और हम दोनों उनके दोस्त बनकर दुश्मनी का हक अदा करते रहेंगे। बस अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है। वो क्या? बस भगवान, हमने तो अपने बेटे की भलाई के काम को अंजाम दे दिया है। बस जिस तरह आपने सरिता के बच्चे का कांटा दूर कर दिया, उसी तरह इन दोनों परिवारों को भी अलग अलग कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, सरिता को ठीक कर दीजिए ताकि मेरे बच्चे की शादी हो सके, वरना वो तो भी तू यहाँ क्या कर रहा है? आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, शादी करनी है। तुझे काम कर अपना, काम कर अपना। हे प्रभु, बस इस कामना की मनोकामना पूरी कर दो। मम्मा, भगवान आपकी ये कामना जरूर पूरी कर देंगे। ले प्रसाद खा। एक मासूम का कत्ल करके कितनी दौलत मिल गई तुम्हें? अरे तुम डॉक्टर हो या कसाई, कम से कम किसी के अरमानों का, किसी के खुशियों का खून करने से पहले ये तो सोचा होता कि इंसान की खुशियों की कीमत क्या होती है। सिर्फ दौलत? अरे इस दौलत से तुम ऐशो आराम तो कर सकते हो लेकिन तुम्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा। अरे अमरनाथ ने जिस मासूम का कत्ल तुम्हारे हाथों से करवाया है ना, वो मासूम हमारी खुशियों का, हमारे अरमानों का, हमारे दिल का टुकड़ा था। क्या बात है डॉक्टर, काफी परेशान लग रहे हैं आप। हाँ डॉक्टर अमृता, मैं ये सोच रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को अपने कोख में 9 महीने तक रखती है और जिस बच्चे का चेहरा नहीं देखा होता उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि उसको खोना। अफसोस कि चंद डॉक्टरों ने हमारे प्रोफेशन को गंदा कर दिया है। अपने गलत करतूतों के कारण उस मकाम पर पहुंचा दिया कि लोग अब हमारे प्रोफेशन को गंदी नजर से देखने लग गए हैं, शक की नजर से देखने लग गए हैं। लेकिन डॉक्टर ऐसी क्या बात हो गई है? वार्ड नंबर 4 में एक पेशेंट है, वो अपने घर के सीढ़ियों से गिर गई थी, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। डॉक्टर अमृता, हमने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन अब बच्चे की जान बचाने के लिए हम मां की जान का तो रिस्क नहीं ले सकते ना। इट वॉज अ केस ऑफ हेमरेज। कुछ देर पहले शायद लड़की के ससुर यहां आए थे, उन्होंने यहाँ आकर मुझे बहुत डांटा, 2-4 बातें सुनाकर चले गए। लेकिन आपको उनको कहने का क्या अधिकार था?
शायद उन्होंने यह सोचा कि लड़की के पिता के कहने से हमने यह अबॉर्शन किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? होता है डॉक्टर ममता, हमारे ही साथी चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि कानून के खिलाफ है और इंसानियत के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। खैर, तुम जाकर वार्ड नंबर 4 में उस पेशेंट को देख लो, मैंने उसको कुछ चेकअप्स कराए, वो भी देख लेना। ओके डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर नम्रता। क्या पता लगा बेटी? माँ जी, राम तू ही बताना क्या पता चला। दीदी, जो होना था वो तो हो चुका है, अब जो करना है हमें करना है, बस ये पता चल जाए कि ये सब हुआ कैसे। मुझे बस एक बात बता बेटा, ये सब क्या सरिता की मर्जी से हुआ है? वो तो मैं सरिता से पूछ लेता, लेकिन वो तो कोमा में है। कोमा में? उसे कब होश आएगा कुछ पता नहीं। बेटा, लेकिन अरुणा से ही पूछ लिया होता। माँ, मैं क्या कहता उनसे, वो लोग अपनी नीचता पर उतर आए हैं, सारी घटना का दोष हम पर डाल रहे हैं। और अरुणा जिसने अमरनाथ की गलत बातों का, उनकी गलत हरकतों का कभी साथ नहीं दिया, वो भी अमरनाथ का पक्ष ले रही थी। वो तो अपने पति का पक्ष लेगी ही, हमारा हमारा साथ क्यों देने लगी वो? कुसुम, बेटा मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि अरुणा इतना बदल गई है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। माजी, शायद उन्हें इस बात का गुस्सा है कि हम सरिता को मिले अस्पताल भी नहीं गए। अरे कैसे जाते? हमें पता होता तब ना जाते। कुसुम, बहुत अनर्थ हो गया बेटा। माँ जी, इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम बाबा को समझाएं कि वो अपने गुस्से को शांत करें, वरना इस सबका आशुतोष को पता चलेगा तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, तेरे बाबा को इस वक्त अपने गुस्से पर काबू रखना ही होगा। उन्होंने मिलकर हमारे खून का, हमारे अरमानों का, हमारी खुशियों का कत्ल किया है। माँ, मैं अब अमरनाथ को नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक कहना है बेटा, अब हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबे, तू आई हो यहां पर, क्या वास्ता है हमसे? चले जाओ। लेकिन अंकल, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अपने माँ बाप की घटिया हरकत पर नमक लगा रही हो। आंटी, आप समझाइए ना मैम। हेलो मैम, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ नम्रता। हाँ जरा बाबा को फोन दीजिए। क्यों, क्या हो गया? भाभी, सरिता भाभी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोमा में है। हाँ नम्रता, हमें पता है, बाबा वहाँ गए भी थे। क्या? हाँ डॉक्टर, जो आपको दो बातें सुना के गए थे वो मेरे पापा है, जो पेशेंट है वो मेरी भाभी। तुम लोगों के बीच में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हारे परिवार को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? क्योंकि ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं उस वार्ड में जाऊं। अंकल से मेरी पहले दिन ही मुलाकात हो गई थी, इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो किसी अपने दफ्तर के आदमी को इस हॉस्पिटल में देखने आ रहे हैं।
क्या तुम दोनों के परिवारों के बीच कुछ झगड़ा है डॉक्टर अमृता? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर मैं अपने बाबा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। न जाने उन्होंने गुस्से में आके आपसे आपको क्या क्या नहीं किया। नहीं डॉक्टर नम्रता, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जगह कोई और होता तो ऐसा ही सोचता और ऐसा ही कहता, लेकिन यह अच्छा हुआ कि अब तुम जाकर उन्हें इस बात का एहसास दिला सकते हो कि हम उन डॉक्टरों में से नहीं हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। खैर, तुमने सरिता का चेकअप किया? अमरनाथ अंकल ने मुझे चेकअप करने नहीं दिया, धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं जाकर चेक करता हूं उसे। अमरनाथ, तूने अपनी मर्जी अपनी चाहत को अंजाम दे दिया, अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू मेरे सलूक को भूलना चाहेगा लेकिन भुला नहीं पाएगा। अमरनाथ, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू और तेरी दौलत, तेरी इज्जत, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा।